स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया गया। जी हाँ, स्टेट गेस्ट भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का ये पाकिस्तान दौरा है, पहुंच चुके हैं आज। शहबाज सरकार के राजकीय निमंत्रण पर दौरा उनका बुलाया गया है, राजकीय निमंत्रण दिया गया। ऐसा लग रहा है किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बुला लिया गया, राष्ट्रपति को बुला दिया गया। इतनी इज्जत एक आतंकी की? खैर, आतंकिस्तान है तो आतंकियों को तो इज्जत देगा ही। पाकिस्तान के कई शहरों में जनसभा का कार्यक्रम, यानी जहरीले बोल बोल बोलकर आग सुलगाने का काम जाकिर नाइक वहां करेगा। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करने की तैयारी है। जाकिर नाइक के साथ बेटा फारिक नाइक भी मौजूद रहेगा, ट्रेनिंग दे रहे हैं बेटे को भी कि कैसे आतंक को और आग यहाँ पर भड़कानी है। और चलिए आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्वागत पाकिस्तान कर रहा है। जी हाँ, आतंकी का स्वागत, ऐसा स्वागत आपने देखा नहीं होगा। पाकिस्तान को खाने पीने के लाले पड़े हुए और आतंकियों का स्वागत करने के लिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए पैसे कैसे खर्चे किए जा रहे हैं। देखिए ऐसा स्वागत हो रहा है, ऐसी खुशी मनाई जा रही है जैसे पता नहीं कौन पहुंच गया हो, पता नहीं किस तरह की मदद मिलने वाली है। जबकि यह भगोड़ा है और भारत से जिसे जिसे मोस्ट वांटेड घोषित किया जाता है, ऐसा लगता है कि आतंकिस्तान उन्हें बुलाकर उनकी आवभगत करने का मौका देखता है। भले पैसे ना हो, इस पर खर्चा करने से पहले नहीं सोच रहे, आवाम का पैसा निकालने से पहले सोचते हैं। ये तस्वीर देखिए, जहर फैलाएगा जाकिर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर 20 दिन का कार्यक्रम है भाई। 20 दिन के कार्यक्रम के लिए ये आवभगत करके पाकिस्तान बुलाया गया। अधिकारी स्वागत कर रहे हैं, नेता मंत्री पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कौन गेस्ट ऑफ ऑनर पहुंचा हुआ है। जी हाँ, तस्वीर तो कम से कम यही बता रही है कि पाकिस्तान में इस तरह से, देखिए आतंक को प्रायोजित तो करता ही था, अब स्वागत भी करने लगा है। और चलिए अब आपको बताते हैं, अब आपके सामने जानकारी रख देते हैं कि क्या कार्यक्रम। हम कह रहे हैं 20 दिन के लिए पहुंचा है, 5-6 अक्टूबर को भड़काऊ बयानबाजी जो करता है सबसे पहले कराची में करने वाला है। इसके अलावा 12-13 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेगा, वहां भी आग बरसाएगा, जहर बोलेगा। 19-20 अक्टूबर को भी इस्लामाबाद में कट्टरता के जो बीज है वो बोता दिखाई देगा। जाकिर नाइक जो भगोड़ा है, नफरती चीफ गेस्ट बनाकर उसे बुलाया गया है और ये चीफ गेस्ट आतंक की आग को और हवा देगा। पाकिस्तान खुद पस्त है, कई ब्लास्ट पिछले कुछ दिनों में हुए लेकिन समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को। रिपोर्ट दी। कट्टरपंथी जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जहां पहले से ही कर्जे की मार झेल रहा पाकिस्तान उसके लिए रेड कार्पेट बिछाकर तैयार दिखा। तमाम तैयारियों के बीच बकायदा मंत्रालयों के अधिकारी जाकिर के स्वागत में खड़े दिखे। आतंक से पाकिस्तान की यारी का आलम यह है कि जहां रोटी के लाले हैं, वहां ऐसे कट्टरपंथी मौलाना के लिए भड़काऊ स्टेज सजाया जा रहा है, जहाँ से जाकिर नाइक नफरती आग उगलेगा। हालांकि जाकिर नाइक को बुलाने के शहबाज शरीफ सरकार के फैसले पर पाकिस्तान में ही विरोध के स्वर उठे थे। जाकिर का विरोध करने वालों में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी का भी नाम था। अमेरिका और श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने जाकिर को बुलाने के फैसले पर पाकिस्तान सरकार से फिर से सोचने की गुजारिश की थी। हक्कानी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था कि पाकिस्तान को इस निमंत्रण पर फिर से विचार करना चाहिए, यह हमारी धार्मिक कट्टरपंथियों की मेजबानी करने वाले देश की छवि को मजबूत करेगा। कट्टरपंथी धर्म प्रचारकों के मामले में पाकिस्तान पहले ही आत्मनिर्भर है, हमें ऐसे लोग आयात करने की जरूरत नहीं है। तमाम विरोध के बाद भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ नहीं माने और जाकिर नाइक को नफरत का चीफ गेस्ट बनाकर पाकिस्तान बुला लिया। बुलाना लाजमी भी था क्योंकि पाकिस्तान हर उस भगोड़े, हर उस आतंकी को अपना दोस्त समझता है जो भारत में मोस्ट वांटेड हो। और इस बार भी पाकिस्तान ने जाकिर को बुलाकर इस बात पर मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हुसैन हक्कानी की भी नहीं सुनी, समझाया जा रहा था कि मत बुलाओ, आतंक की जो इमेज है और पुख्ता हो जाएगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को, ना शहबाज शरीफ को। लेकिन जो कट्टरता की दुकान चलाता है, किस तरह का इसका क्राइम ग्राफ रहा है, किस तरह की कुंडली रही है, चलिए बता देते हैं आपको। टेरर कुंडली बताने जा रहे हैं। जाकिर नाइक की भड़काऊ भाषण और आतंकवाद को बढ़ावा देने का इस पर आरोप लगा है। 193.06 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। गिरफ्तारी के डर से आपको बताया 2016 में भाग खड़ा हुआ था, मलेशिया भाग गया था और वहीं रहता है मलेशिया में। नाइक के खिलाफ 2016 में एंटी टेरर लॉ के तहत केस भी दर्ज हुआ और जून 2017 में कोर्ट ने नाइक को अपराधी घोषित कर दिया। मई 2019 में टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर हुई और देश के कई शहरों में जाकिर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। संपत्तियों और बैंक अकाउंट्स में जो जमा किए गए थे रुपए, जिसका इस्तेमाल ये करता था भड़काऊ भाषणों के लिए, तमाम चीजों के लिए, उन्हें जब्त कर लिया गया।
जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की कोशिश में भारत जुटा हुआ है। भगोड़ा है ये। जब पूरे मामले सामने आए तो मलेशिया भाग खड़ा हुआ परिवार के साथ, और अब इसका स्वागत कर रहा है पाकिस्तान। सोचिए, ऐसे आतंकी का स्वागत कर रहा है। लेकिन आपको बताएं, जाकिर नाइक के जो दो टीवी चैनल्स हैं, पीस टीवी, जिसके जरिए वो जहरीले बोल बोलता है, जिसके जरिए वो आग फैलाने की कोशिश करता है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि वो जो चैनल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रतिबंधित है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी भाषण उसमें दिए जाते हैं, आग लगाने की कोशिश की जाती है, और कई जगहों पर इस पर रोक लगी हुई है। जी हाँ, सिर्फ भारत में ही नहीं, आपको बताएं, सबसे पहले भारत में देखिए रोक लगी है, इसके अलावा कई चैनल्स यहाँ पर, कई देशों में ये चैनल प्रतिबंधित है। कहाँ कहाँ, बांग्लादेश में देखिए ये प्रतिबंधित है। इसके अलावा श्रीलंका में भी इस नफरती बोल को टीवी पर चलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कनाडा में भी, वहां भी सुलगाने की कोशिश, आग लगाने की कोशिश के जहरीले बोलों ने की थी। और ब्रिटेन में भी प्रतिबंधित है जाकिर नाइक के पीस टीवी और पीस टीवी उर्दू नाम के जो दोनों चैनल्स हैं, क्योंकि सिर्फ राष्ट्र विरोधी भाषण इसके जरिए दिए जाते हैं। और देखिए, जाकिर नाइक का आतंकी कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है। अगर पाकिस्तान नहीं समझ रहा तो अभी समझ ले, अभी हम बता रहे हैं, देख ले, क्योंकि आतंकी कनेक्शन सामने कई बार आया। ऐसे नहीं भाग खड़ा हुआ भारत से, कार्रवाई के डर से भाग खड़ा हुआ था। 2016 में देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम ब्लास्ट हुआ था। जी हाँ, बम धमाका हुआ। एक आतंकवादी ने जाकिर से प्रभावित होकर ये बात कही थी, यानी उसके जो भाषण है, जो उसके नफरती बोल है, राष्ट्र विरोधी बातें हैं, उससे प्रभावित हो गया था। अप्रैल 2019 में श्रीलंका के ईस्टर संडे पर बम धमाका हुआ था। जी हाँ, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में भी ईस्टर संडे पर 2019 में ये बम धमाका हुआ। और ये सब कुछ अपनी बातों से करवाया जाकिर नाइक ने, जो पीस टीवी नाम है चैनल का। पीस तो उसमें शांति की कोई बात नहीं होती, सिर्फ भड़कावे की बात होती है, एक तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। इन बम धमाकों के तार भी जाकिर नाइक से, श्रीलंका में जो ईस्टर संडे पर बम धमाका हुआ उसके भी तार जाकिर नाइक से जुड़ते दिखाई दिए। धमाकों में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आप सोचिए कि बातों में आकर धमाका हुआ, एक शख्स ने इतनी बड़ी घटना अंजाम दे दी और 260 लोगों की जान चली गई। धमाकों की जिम्मेदारी नेशनल तौहीद जमात ने ली थी, जो कि पूरी तरह से लिंक्ड है। संगठन के मुखिया ज़हरान हाशिम ने जाकिर की तारीफ की थी, यानी उससे प्रभावित होकर यह किया था। 2022 में कर्नाटक के मैंगलोर में ऑटो रिक्शा में बम ब्लास्ट हुआ था। जी हाँ, इसके अलावा वो भी जाकिर नाइक से प्रभावित, उसने मुख्य आरोपी शरीक ने खुद को बताया था। तो सोचिए कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया है। शरीक के मोबाइल से जाकिर के कई भड़काए वीडियोज मिले थे, और ऐसे लोगों का स्वागत कर रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अब सोचने की जरूरत है कि कितना भीख मांगेंगे। ये जो आदत है छोड़नी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए, इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।